सो हे गाइस, नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ चेरिश ओएस का जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 रोम निकला है उसके बारे में। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा और क्या बग्स है। बग्स तो है लेकिन बताऊंगा सब कुछ, और वीडियो में बने रहिए आप मेरे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉलपेपर की बात करता हूँ। तो वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक ही वॉलपेपर देखने को मिलता है सिस्टम में। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैं ले चलूँ वॉलपेपर के सिस्टम में, तो आप देखोगे यहाँ पे ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ये एक बग है जो कि मुझे नोटिस हुआ है। मैं इसको बग ही बोलूँगा, आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा या फिर आप कोई भी कस्टम यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बग है जो कि देखने को मिला है। और यहाँ पे स्टाइल्स में यहाँ पे तो है ही, मतलब आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो डिस्प्ले में आपको कुछ कस्टमाइजेशन दिखाई देंगे, तो वैसे ये वो सब यही है। तो यहाँ पे आप आइकन शेप को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे आइकन शेप दिए गए हैं। और यहाँ पे स्टेटस बार हाइट को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेटस बार आइकन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे यूआई रेडियस को भी आप वो चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने गोल गोल कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉर्नर जो है कर्व्ड है, तो ये भी आप कर सकते हो। और बाकी बात करो यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स की, तो गाइस आप कोई भी क्लॉक पॉइंट चेंज कर सकते हो इसमें, तो ये एक अच्छी बात है। यदि सेटिंग्स की और ले चलो तो भाई यहाँ पे भाई वेरियस टाइप के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप कोई भी लगा लो, यहाँ पे आपको स्टेटस बार में बहुत सारे कुछ देखने को मिलते हैं और सब कुछ वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि भाई ये वर्किंग नहीं है, ये दिया गया है लेकिन वर्किंग नहीं है, सब कुछ वर्किंग है। आपको मैं अभी दिखाने से बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। और बात करिए यहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन की, तो गाइस अबाउट फोन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 दो दिन पहले लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे 2.0 देखने को मिलता है वर्जन। और बिल्ट आप देख सकते हो, बिल्ट नवंबर 25 का है और यहाँ पे वेडनेसडे भी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको प्रीडेटर स्टॉर्म ब्रेकर एक्स 4.1 स्टेबल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। भाई इतना बड़ा बड़ा बात कैसे बोल सकता हूँ। तो आपको जो मैं एक बग की बात करता हूँ वो है यहाँ पे लाइव कैप्शन, जो कि कुछ इस तरह से मैं इसको ऑन करने से ये कभी कभार जो है ये स्टॉप हो जाता है, कभी कभी ये ऑफ भी हो जाता है, लेकिन अभी ऑन नहीं हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। और देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये एक बग है जो कि फिक्स कर देना चाहिए नेक्स्ट अपडेट में। और अगर यहाँ पे दिखाओ तो नाउन प्लेइंग में, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्रैश हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और शायद से इसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करने से ये जो है फीचर काम करेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। और बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं वाइब्रेशन के रिलेटेड। और या बात करूँ यहाँ पे डिवाइस सेटिंग्स में, तो डिवाइस सेटिंग्स में आपको ये सारे देखने को मिलते हैं। वाइब्रेशन स्ट्रेंथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो जो वाइब्रेशन को जितना ज़्यादा या फिर जितना कम है आपको कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे थर्मल का जो है ऑप्शन यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। थर्मल में परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग और एक्सट्रीम बैटरी को भी रख सकते हो यहाँ पे। और बाकी सब तो ठीक ही है। और गेमिंग मैंने किया है पबजी, आप देख सकते हो पबजी मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है और काफ़ी स्मूथ चलता है, मतलब गेमिंग में और मतलब गेमिंग में और परफॉर्मेंस आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कस्टमाइजेशन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ एक ही दिक्कत आने वाली है, वो है इसका बैटरी बैकअप, जो कि उतना अच्छा मुझे नहीं देखने को मिला है। तो आप कर्नल चेंज करके आप कर्नल देख लो कौन सा कर्नल बेस्ट है आपके लिए, तो बैटरी बैकअप उतना दे देगा। तो गाइस यहाँ पे इसका यही था। और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बता दो, इंस्टॉलेशन के लिए आपको टिल्डोर पर रिकवरी या फिर ऑनबॉक्स रिकवरी होना जरूरी है। तो गाइस अब बात करता हूँ यहाँ पे इसका कैमरा की, तो इस कैमरा में जीकेएम 7.6 यूज़ करता हूँ। तो जैसे आप देखो, तो मैं सब कुछ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ वीडियो, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब कुछ वर्किंग है। जीकेएम 7.6 या फिर आप जीकेएम का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जीकेएम 7.6 जो कि अभी स्टेबल है, सब रोम में काम कर रहे हो। तो फिर इंस्टॉलेशन के लिए आपको TWRP रिकवरी या फिर ऑनस्पॉट रिकवरी होना ज़रूरी है और आपका बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए। तो आपने अगर बूट लोडर अनलॉक कर लिया तो गाइस आप रेडी टू गो है। तो गाइस आपको सिंपली TWRP रिकवरी या फिर ऑनस्पॉट रिकवरी में बूट करना पड़ेगा, तो गाइस वो मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस पासवर्ड का सेक्शन आएगा, इसको आपको इग्नोर कर लेना है हमेशा की तरह। और यहाँ पे आपको जाना है मैनेज पार्टीशंस पे और डेटा पे, और यहाँ पे टिक करना है और फॉर्मेट डेटा करना है, या यहाँ पे यस लिख के फुल डेटा फॉर्मेट कर देना है। फिर बैक जाना है आपको, रिबूट टू रिकवरी करना है। तो गाइस रिकवरी में आने के बाद आपको सिंपली वाइप में जाना है, वाइप में जाने का डेल्वी कार्ड कैच सिस्टम वेंडर डेटा,
इन सब को वाइप कर देना है। सो गाइस अभी आपको बैक में जाना है। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मैं अभी आपको जो है रोम फ्लैश करना बताऊँगा। सो गाइस आपको सिंपली लेटेस्ट फर्मवेयर को फ्लैश करना है जो कि है 12.0.1.0। तो आप देख सकते हो लेटेस्ट ग्लोबल फर्मवेयर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप भी लेटेस्ट करना। तो इसको सिंपली यहाँ पे फ्लैश कर दे रहे। सो गाइस ग्लोबल फर्मवेयर फ्लैश होने के बाद आपको बैक में जाना है और अभी आपको सिंपली वो रोम के फाइल को फ्लैश करना है और ये जी एप्स इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको जी एप्स के अलावा चाहिए शायद उसका भी लिंक है, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता चल जाएगा और दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने तक वेट करता हूँ। सो गाइस फ्लैश होने के बाद आपको सिंपली वाइप कैच कर देना है और रिबूट कर देना है। और एक बात, इस रोम में CTS पास्ट आता है, मतलब CTS पास ये बाय डिफॉल्ट आता है। आपको CTS पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी रूट कर सकते हो। मैं सिंपली रिबूट सिस्टम कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ आपके फ़ोन का लुक। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।